इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में पूरा दिन सियासी सरगर्मियों वाला रहा। वैसे तो कल शबे बारात मनाई गई थी, देर रात तक बेलगाम अंजुमन कब्रिस्तान में लोगों की चहल पहल रही। मस्जिदों में इबादतें, जिक्र अज़कार, बयानात की महफिलें सजी रही। शबे बारात को रात 10 बजे तक का ही महदूद वक्त दिया गया था, लिहाजा अवाम भी काफ़ी हद तक इस गाइडलाइन पर चलना बेहतर समझा। और जहां हर साल देर रात तक चहल पहल हुआ करती है, फातिहा और दरूद का एहतमाम, कब्रिस्तान में दुआएं हुआ करती थी, वो इस साल नज़र नहीं आई। कुछ हद तक कोरोना मर्ज को लेकर मुस्लिम समाज एहतियात बरतते देखा गया, वही दूसरी ओर देर रात तक ढोल ताशे बजने की आवाज़ों को सुना जा रहा था। होली की सरगर्मियां भी काफ़ी देर तक चलती रही। वैसे पुलिस की जानिब से कुछ ज़्यादा सख्तियां बरतते भी नहीं देखा गया। जहां कोरोना के मद्देनज़र सख्तियों को आयद करने की बात बारह की जा रही है, वहीं होली या फिर एहतजाजों में कहीं पर भी किसी गाइडलाइन पर अमल करते देखा नहीं जा रहा था। खैर, आज का दिन होली के बावजूद भी सियासी सरगर्मियों वाला रहा। आज कुल 6 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज की, जिसमें कांग्रेस की जानिब से सतीश जारकीहोली का रहा। आज बेलगाम शहर में कांग्रेस के दिग्गज लीडरों की आमद रही, जिसमें खासकर साबिक वजीर आला सिद्धरामैया, कांग्रेस रियासती सदर डी के शिव कुमार, साबिक वजीर जमीर अहमद खान, लक्ष्मी हब्बाड़कर, अंजनी निम्बाड़कर, फिरोज सेठ, राजू सेठ और दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। कांग्रेस भवन में जिसके बाद मुख्तसर बयानात हुए, जिसमें किस तरह सतीश अन्ना जारकीहोली को जिताया जा सकता है और कांग्रेस कारकुनान को बिना किसी तफरके के कामों को अंजाम देकर उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाना, इस पर बात हुई। बेलगाम ग्रामीण की एमएलए मोहतरमा लक्ष्मी हब्बाड़कर ने सतीश जारकीहोली को जीतने के बाद कांग्रेस में कैसे एक तरह का नया जज्बा पैदा हो सकता है, इस पर बात कही। इस वक्त कसीर तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने शिरकत फरमाई थी। कांग्रेस के तमाम लीडरों की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीटिंग भी फरमाई गई। सतीश जारकीहोली ने कहा कि मैं किसी भी काला लाल दिन को नहीं मानता, लिहाजा सभी दिन एक ही तरह से होते हैं। आवाम ने पिछले 20 सालों से मेरे खिदमात को देखा है। कांग्रेस किसान की जानिब से हरी शाल के जरिए अर्ज दाखिल करने पर इसरार किया गया, इसलिए हरी शाल को मैंने पहन रखी है, ऐसा भी कहा। मैंने उम्मीदवारी दाखिल की है, अब आवाम की जानिब से मुझे मौका मिलना चाहिए। आगे किस तरह मंसूबाबंदी होगी, क्या करना चाहिए, इस पर हर रोज कांग्रेस भवन में मीटिंग की जाएगी। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया, रियासती कांग्रेस सदर डीके शिवकुमार, फिरोज सेठ, लक्ष्मी हब्बाड़कर के साथ आज उम्मीदवारी डीसी बेलगाम हरीश कुमार के जरिए दाखिल की गई। कोरोना के मद्देनजर काफी भीड़ जमा करने से मना किया गया था, लिहाजा महदूद कांग्रेस जिम्मेदारों के साथ उम्मीदवारी अर्जी को दाखिल किया गया। आज जेडीएस कारकुनान ने भी कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की, जिससे और भी कांग्रेस को कुवत मिल सकती है। लिहाजा गोकाक के जेडीएस लीडर अशोक पुजारी भी 2 तारीख को सतीश जारकीहोली का साथ देंगे, कांग्रेस में आ सकते हैं। कुल अब तक 9 अर्जियां दाखिल की गई, जिसमें एमईएस की जानिब से शुभम शेर के, अपक्ष की तरफ से नागप्पा कलसनवर, कर्नाटक राष्ट्र समिति से बाबू घंटी, सर्व जनता पार्टी से अशोक पंडप्पा हांजी, एक और अपक्ष शिवप्पा नगनूर ने भी अपनी अर्जियां दाखिल की। अब फिर थोड़ा सीढ़ी मामले की तरफ बढ़ते हैं। एक नजर रमेश जारकीहोली के आज की क्या सरगर्मियां रही, सीढ़ी मामले को लेकर किस तरह से आज का दिन रहा, इस पर भी एक नजर। सीढ़ी मामले को लेकर मुसीबतों में इजाफा होता ही जा रहा। आज साबिक वजीर रमेश जारकीहोली एसआईटी की जानिब से 4 घंटे की पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद 2 अप्रैल को फिर से हाजिर रहने के लिए कहा गया। आज कब्बनपार पुलिस थाने में पूछताछ की हाजिरी के लिए रमेश जारकीहोली को नोटिस दी गई थी। अपने वकील के साथ रमेश जारकीहोली टेक्निकल सेल में हाजिर रहे। रमेश जारकीहोली ने इस मामले पर कहा कि पुलिस ने तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ की, लिहाजा कुछ सवालों के जवाब देने पर अपने वकील से मशवरा करूंगा, जिसके लिए 4 दिन का वक्त तलब किया गया। इसी के मद्देनजर 2 अप्रैल को फिर हाजिर रहूंगा, ऐसा बताया गया। सीढ़ी गर्ल ने सीधे अदालत में हाजिर होने की बात कही। किसी न किसी तरह से रमेश जारकीहोली इस मामले में धंसते ही जाते नजर आ रहे हैं। अगर वाकई पुलिस और अदालत के सामने लड़की अपना बयान सीधे दर्ज करती है तो मामला यकीनन संगीन हो सकता है। यहां तक कि रमेश जारकीहोली की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और एक और इत्तला के मुताबिक अदालत ने सीढ़ी गर्ल को अदालत में हाजिर होने की इजाजत दी है। पुलिस तहफ्फुज के साथ अदालत में जल्द हाजिर होने की इत्तला हासिल हुई। अब देखना है कि सीढ़ी मामले का आखिर इख्तिताम क्या होता है। सीढ़ी मामला दोनों तरफ नुकसानदेह साबित न हो, इसका एहतियात भी बरता जा रहा है। लिहाजा जहां सतीश जारकीहोली को सीढ़ी मामले पर सवाल पूछे जा रहे थे, वही अब भाजपा में भी इस सवाल को लेकर
किनारा कशी करते हुए भाजपा लीडरों को देखा गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की जानिब से ऐलान किया गया कि सीडी मामले से इनका कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा आने वाले चुनाव में सीडी मामले का किसी तरह का असर हो भाजपा पर होने वाला नहीं है। आज यू के 27 होटल में साफियों से मुखातिब होते हुए साबिक वजीर आला जगदीश शेट्टर ने यह कहा कि कल मंगला आंगड़ी की उम्मीदवारी दर्ज की जाएगी और यकीनन भाजपा की जीत ही होगी। जगदीश शेट्टर ने आगे कहा कि सीडी मामले पर तहकीक जारी है जिस पर बोलना मुनासिब नहीं होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। चोरी के वारदातों में होते इजाफा, फिर पुलिस परेशान होती नजर आ रही है। एक और इत्तला हासिल हुई है बेलगाम अमन नगर से। 25 मार्च को अशोक लेलैंड दोस्त रात में अमन नगर अली मस्जिद के सामने से चोरी हुई है। पुलिस में इत्तला दी गई है, गाड़ी के मालिक जनाब इमाम अरगट्टी है। अली मस्जिद के सामने से 25 तारीख रात को गाड़ी नंबर के 22C8331, गाड़ी अगर किसी को भी नजर आए तो इस नंबर पर रابطہ कायम करें। स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर किसी तरह का लॉकडाउन या स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का कोई इरादा नहीं, ऐसा वजीर आला एडरप्पा ने आज साफियों से मुखातिब होते हुए कहा। जहां कल वजीर सेहत के सुधाकर ने पहली क्लास से नौवीं क्लास तक के तलबा तालिबात के लिए बिना इम्तिहान के पास करने के बारे में वजीर आजम से मशवरा करने की बात कही थी, पर आज अभी किसी तरह की चर्चा इस पर नहीं हुई है और इसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसा वजीर आला की जानिब से सफाई पेश करते हुए कहा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।